करेंगे। सिमडेगा में पुष्पराज का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है, हरियाली खत्म होती जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि और वन विभाग आरोप प्रत्यारोप से जुटा है। इस रिपोर्ट को देखिए। पुष्पराज पर विधायक और डीएफओ में आरोप प्रत्यारोप, विधायक का वन विभाग पर मिलीभगत का आरोप। इस तरह की घटनाओं का जानकारी होने के बावजूद भी वन विभाग इतना उदासीन है, आखिर क्यों? डीएफओ ने कोलेबिरा विधायक पर किया पलटवार। भाई वो जनप्रतिनिधि है, अब हो सकता है उनका कुछ इस संबंध में कुछ उनका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा हो। सिमडेगा में पुष्पराज पर विधायक और वन विभाग आमने सामने आ गए। धल्ले से हो रही जंगल की कटाई को लेकर कोलेबिरा विधायक ने वन विभाग पर निशाना साधा, साथ ही लकड़ी माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए डीएफओ पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने आरोप लगाया है कि वन विभाग की मिलीभगत के कारण अब तक वन माफिया शिकंजे से बाहर है। वैसे पदाधिकारी या वैसे लोग जिनके वजह से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, लोकतंत्र तांत्रिक व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, और जो अपने काम के प्रति गंभीर नहीं है, वैसे लोगों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। विधायक के आरोप पर डीएफओ ने पलटवार किया है। डीएफओ ने कहा है कि निजी स्वार्थ के पूरा नहीं होने के कारण विधायक इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि जिले में जंगल की अवैध कटाई पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। माननीय विधायक जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनके बोलने पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन जहां तक लकड़ी कटने की बात है, ये बिल्कुल उनका आरोप बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। हम लोग के मिलीभगत से, बनी हुआ के मिलीभगत से अगर कटती तो छापामारी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं होती। तो ये जो है, इतनी बड़ी छापामारी होने का ये प्रतीक है कि वन विभाग ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि बिना वन विभाग के अनुमति के, बिना सरकारी अनुमति के कोई भी, चाहे रैयत हो या जीएम लैंड हो या कोई भी लैंड हो, लकड़ी नहीं काट सकते हैं जब तक विभाग से परमिशन न मिल जाए। अवैध वन कटाई को लेकर सिमडेगा में मॉब लिंचिंग जैसी गंभीर घटना हो चुकी है। बावजूद इसके ढल्ले से जंगल की कटाई जारी है, लेकिन इस पर लगाम लगाने की बजाय वन विभाग और जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।